आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो यहाँ पे क्या बोला है, द इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट करंट ड्यू टू अ सरफेस एरिया एस इज प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। तो पहले हम लोग एक चार्ज कैपेसिटर कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो चार्ज कैपेसिटर के लिए मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है फॉर अ चार्ज्ड कैपेसिटर, फॉर अ चार्ज्ड कैपेसिटर माय इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवेन बाय क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक है। क्यू चार्ज है, ए एरिया है और एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सो क्यू इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू फाई ई। नाउ व्हाट इज फाई ई, फाई ई मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ठीक है। फाई ई मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। अभी मैंने यहाँ पे क्यू निकाल लिया। नाउ व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट करंट, माय डिस्प्लेसमेंट करंट इज गिवेन बाय, माय डिस्प्लेसमेंट करंट इज गिवेन बाय आई डी इज इक्वल टू डी क्यू डी टी, ठीक है। अगर क्यू मेरा एप्सिलॉन नॉट इनटू फाइ ई है तो आई डी विल बी एप्सिलॉन नॉट इनटू डी फाइ ई डी टी, ठीक है। सो हम लोग इस फॉर्मूला से देख सकते हैं कि मेरा डिस्प्लेसमेंट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फाइ ई मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ठीक है। फाइ ई इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड डी फाइ डी टी is rate of change of electric flux, ठीक है। तो यहाँ से मेरा आंसर है rate of change of electric flux through S। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।